जो भी प्रोग्राम है दोस्तों, एक सिंपल सा ही प्रोग्राम होगा, लेकिन टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूंगी। तो चलो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शर्मा किचन। आज शर्मा की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर एक नवा ब्लॉग लेके आई हूँ जिसका नाम है शादी की सालगिरह, और किसकी? मेरे भाई और भाभी की। और उन लोग की आज 45वीं सालगिरह है, जो भाभी ने मुझे स्पेशली बुलाते तो है और आती भी हूँ। आज स्पेशली मेरे को आज बिरयानी, कबाब और फिरनी की ऑर्डर मिला था मेरे को, और उन लोग के सर पे दुआ भी। तो लो मैं मिलाती मेरे भाई भाभी को। देखो मेरे भाई भाभी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बस आप लोग भी, आप लोग से भी दोस्तों मेरे को इतनी दिल से ख्वाहिश और इल्तिजा है कि इन लोग को बोलती ना इतनी दुआएं देना कि इन लोग का जोड़ा सही सलामत रहे और हमेशा हंसते खेलते ही रहे। इतनी जिंदगी गुजार चुके उन लोग ने बचपन से, मैं भी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ अभी तो। इसके लिए तो मेरे सामने मैं तो सोचूंगी कि इन लोगों को 100 बरस की उम्र लग जाए। बस आप लोग से भी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी यही दुआ करना, मेरे भाई भाभी लोग का जोड़ा सलामत रहे। मेरे और एक भाई भाभी लोग को मैं मिलवाना चाहती थी, लेकिन शायद उन लोग ने मिस कर दिए, उन लोग कहीं बाहर चले गए हैं तो इसके लिए मैं मिला नहीं सकी। इसके लिए उन लोग के लिए भी दुआ करना आप लोग, कि उन लोग का भी जोड़ा सही सलामत रहे। तो मस्त देखो गोपी, हम झोंके बन जाएंगे। तो मस्त हवाओं के, तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोके बन जाएंगे। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है। आजा मैं तुम जाऊँ तेरी जान।
मैं यूं ही मस्त नर में लुटाता हूँ, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नर में अभी देखो शादी की सालगिरह है उनके भाई की, यहाँ पर भी आकर उनका कुकिंग चालू है। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो कबाब बना रहे हैं, ये कबाब की रेसिपी ऑलरेडी अपने व्लॉग में डाल चुके हैं। ये कबाब और फिरनी और बिरयानी ये सब तो डिश एडिट करके दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या बनाई हूँ दोस्तों, क्योंकि कहीं भी जाओ हमारे को खाना बनाना ही है, मेरे भाई भाभी लोग को बना के खिलाऊं तो उससे बढ़िया खुशी और क्या चाहिए मुझे। आप भी खाने के लिए देखो वे पकाने में पुप्पी जहाँ जाते हैं वहाँ किचन पकड़ लेते हैं, किचन संभालते हैं, अपना काम ही वही है ना। ये है कबाब जो रेडी हो चुका है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आज शमास किचन के भाई की एनिवर्सरी के लिए स्पेशल डिश जो शमा पुप्पी ने तैयार किए वो है बिरयानी, ये कबाब, ये फिरनी और ये केक ऑर्डर देके मंगाया गया है। तो ये आज के दिन का स्पेशल डिश, ये देखो कबाब प्लेट में परोसते ही खत्म हो गया है, सब गेस्ट को बहुत पसंद आया है। जरा अपना कमेंट दीजिए प्लीज, बहुत स्पाइसी है, टेस्टी है, आपका तेज नहीं हो तो मजा पे। ये हमारे मामू मानी है बोलो कबाब में जब तक तीखा ना हो तो मजा कैसा। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज के अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुम्हारा कमेंट अब केक नीचे रख के काटने का बहुत बड़ा मसला हो गया है। चलो भाई स्टार्ट, चलो अब ये केक कटिंग सेरेमनी चालू हो गई, एनिवर्सरी आधा कट रहा है क्या, खाली ताली नहीं बजाना। अरे साथ में दुआएं तो, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश और सेहतमंद रखे। चलो पुप्पी तुम बोलो, तुम्हारा व्लॉग है तुम्हारा बोलना जरूरी है, क्या बोलो, खाओ पहले फिर बोलो। तुम बोलो अल्लाह इन लोगों की हयाती लंबी करे और दोनों को साथ में हमेशा एक दूसरे के लिए रखे। आमीन आमीन आमीन। जोड़ा सलाम। मैं 35 में पहुंची, मेरे भाई पहुंचे। ये मेरी भाग बोलो, ये भाभी के भाई है, मेरे भाभी है, नहीं है रवा जाते हैं, उसका भाई है, इसका नाम है उस्मान गनी, उसकी वाइफ है ये कादर भी और उसका बेटा है ये सभी उल्लाह, सब अभी आए हैं शादी होके नवा दूल्हा दुल्हन, दुल्हन का मुंह नहीं दिखाएंगे हम लोग अभी फिलहाल। हो गया इतना फटाफट बोल दिए, बोल दिया।
आज मेरी मम्मी डैडी की शादी की सालगिरह है, कितना 44 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 45 इयर्स, 45 आज आप सब मेरी मम्मी डैडी के लिए दुआ करो कि इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, आमीन, और गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली तक जाए, आमीन आमीन आमीन। और मेरे पुत्री के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं बोल रहा तेरा मुंह तो दिखाई नहीं बोलते हो, देखो देखो अच्छा मेरा हाथ।